रहमानिरहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं व्यूअर्स आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को इसी तरह खुश रखे। आज मैं बनाने लगी हूँ वाइट हनी। चलें स्टार्ट करते हैं। वाइट हनी बनाने के लिए मुझे जो चीजें चाहिए वो कुछ यूं है। आधा किलो से थोड़ी ज्यादा ये तकरीबन चिकन ली है मैंने। तकरीबन 7-8 हरी मिर्ची, इनको मैंने पीस लिया बारीक। एक बड़ी प्याज की डली, उसको इस तरह स्लाइस में काट लिया। लहसुन अदरक 1 टेबल स्पून, थोड़ा सा जीरा और दालचीनी और काली मिर्ची थोड़ी सी लिए 3-4। 1 टीस्पून साबुत धनिया पिसा कुटा हुआ, भुना और कुटा हुआ। 1/2 टीस्पून भुना और कुटा हुआ जीरा। 1/2 टीस्पून व्हाइट पेपर यानी कि दखनी मिर्ची। 1/2 टीस्पून नमक, ये नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। 1/2 टीस्पून काली मिर्ची और 1/2 प्याली मैंने क्रीम ली है और एक बड़ी प्याली मैंने दही ली है और हरा धनिया और हरी मिर्ची ये गार्निश के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने मीडियम कर दिया और मिट्टी की हांडी ले ली। आप लोग भी मिट्टी की हांडी में पकाएंगे, हंडिया में, उसमें इसका जायका बहुत अच्छा आता है बनिस्बत दूसरी हंडिया में पकाने के। मैंने इसमें तकरीबन 6 टेबल स्पून ऑयल लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तकरीबन 6 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया। अब इसके अंदर प्याज डाल दूंगी। अब इसको मैं ब्राउन करूंगी। लहसुन अदरक और जीरा ऐड कर दूंगी मैं अच्छी तरह। हरी मिर्ची जो मैंने पीसी थी वो भी डाल दूंगी। अब इसके अंदर चिकन ऐड कर दूंगी। मैं अच्छी तरह इसकी भुनाई करूंगी। लहसुन अदरक और हरी मिर्चों को इसी में भूनूंगी मैं। हरी मिर्ची डाल के मैंने इसकी भुनाई कर ली। अब इसमें दही ऐड करूंगी। नमक डालूंगी, ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर और ये साबुत धनिया और जीरा। ठीक है, इसमें दही के पानी में ही चिकन गल जाएगा। अब ये चिकन गलती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्राई होने वाली है तकरीबन। अब इस पॉइंट पे मैं क्रीम ऐड कर दूंगी इसके अंदर। क्रीम बिल्कुल लास्ट में मैं डालूंगी और उसके बाद भुनाई करूंगी। बस घी पर आने वाला है ऑयल। चलो अब ये थोड़ी देर में इसकी भुनाई करूंगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। स्टार्ट हो गया है। अब इसके अंदर एक फॉइल रखेंगे और कोयला रख देंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे।
फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो कर देंगे, तो दम पे रख देंगे। अब जब स्मोकी हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखा रहा इसका ढकना उठा के देखेंगे। जबरदस्त खुशबू, पूरे घर में इसकी खुशबू इतनी फैल रही है तो खाने में कितनी लजीज होगी। आप लोग जरूर बनाइए, करूंगी हरे धनिए से, हरी मिर्चें और नींबू के स्लाइस। आप मैं इसको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। डिश आउट कर ली है, उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। आप लोग जरूर बनाइएगा, आप लोगों को सबको घर वालों को पसंद आएगी। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप भी अपनी दुआओं में याद रखें, मैं भी अपनी दुआओं में याद रखूंगी। अल्लाह हाफिज़।